बोला कल लेपर्ड आया था। ये सस्पिशियस एरिया है ना, और वो सब बहुत अच्छा लगता है। तो वायनाड में एक और इंटरेस्टिंग जगह है, कुरवा द्वीप आइलैंड। इसको एत्तप्पड़म बोलता है मलयालम में। वायनाड आने के बाद भी अभी भी सो रहा है। हेलो सर जी। गुड मॉर्निंग। सुबह हो गया। टाइम कितना हुआ? व्यूअर्स आर वेटिंग, इवन आई एम वेटिंग। चल भूख लग रहा है, बैठो सर। One eternity later. Hello everyone, welcome to our daily diaries. So आज हमारा एरिकल हर्मिटेज में सेकेंड डे है। सो सुबह सुबह अभी ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं, एंड आज के दिन में हम लोगों ने प्लान किया है कि एरिकल केव्स एक्सप्लोर करेंगे एंड ये रिसॉर्ट भी एक्सप्लोर करेंगे। वही तो सुबह सुबह उठ के वीडियो का इंट्रो मार रहा है। कुकुम्बर जिंजर एक्चुअली अच्छा है, पाइनएप्पल भी डाला है। पाइनएप्पल जिंजर है, ये स्टीम्ड बनाना है। एक्चुअली ये प्रॉपर बनाना केरला में ही मिलता है, एंड ये एंगल से दिखाएगा। इसको एत्तप्पड़म बोलता है मलयालम में। एत्तप्पड़म, एत्तप्पड़म, परम, ओके, एत्तप्पड़म। नॉर्थ में ऐसा नहीं खाता है क्या? इट्स लाइक बनाना को स्टीम करके। नहीं, हमने कभी स्टीम करके बनाना नहीं खाया है। आई डोंट नो, मेरा नॉलेज में तो नहीं है। ट्राई करके देखिए, वो टेस्टी है। इसमें जैगरी भी डाल सकता है। सो जैगरी का लाइक वो बॉईल करने के टाइम जैगरी का वो एसेंस बनाना के अंदर सॉक हो जाएगा, देन एक डिफरेंट टेस्ट ही आ जाएगा। पानी में जैगरी डालना है, देन बनाना बॉईल ऊपर भी डाल स्टीम करना है। स्टीम ऊपर भी डाल सकते हैं। ओके, इसके ऊपर जैगरी डाल करके और स्टीम करना है। ओके, ये अच्छा दिख रहा है। सो ये है रेस्टोरेंट एरिया, ये है एक्चुअली डाइनिंग एरिया। इधर से ऊपर जाएंगे ना तो एक केव है, जहाँ पे आपको केव डाइनिंग का ऑप्शन मिलेगा, एंड उसके लिए लेकिन एक्स्ट्रा चार्जेस आई थिंक समर अराउंड 5000 ऐसा कुछ है, और मेन्यू में एडिशनल और कुछ ऐड होगा। तो वो चार्जेस आप यहाँ आने के बाद पूछ सकते हैं, अगर इन केस आपको कैंडल लाइट डिनर करना है। मोर देन हंड्रेड्स ऑफ कैंडल वो लोग जलाएगा, एंड इट्स गोना बी समथिंग डिफरेंट। सो उसके बाद इधर और ऊपर जाएंगे तो रास्ता इधर से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन इधर से स्ट्रेट है, जंगल जंगल है ना, इसलिए ऊपर एम्फी थिएटर जैसा है, वहाँ पे कॉमन बॉनफायर करते हैं। सो अनुरंज हमें एम्फी थिएटर एंड केव एरिया दिखाने के लिए लेके जा रहा है। इधर भी कुछ है, उसको केव सस्पिशियस एरिया है ना, और वो सब बहुत अच्छा लगता है। घुस गया, आई एम सुपर स्कैर्ड। कितना नीट से मेंटेन किया है ना, आई थिंक डे टाइम में दिखाई देगा। वो है रेस्टोरेंट एरिया, हमें ऐसा चढ़ के ऐसा ऊपर आना है, एंड जैसे हम लोग पहले दिखाया वो है, इट्स लाइक कैंडल डिनर करने के लिए केव डाइनिंग स्पेस, एंड दिस इज एम्फी थिएटर। कितना सुंदर सुंदर बर्ड है। हाँ वो देखो, रेड कलर का बर्ड उधर ना। हाँ। उधर एक्चुअली एक सुंदर बर्ड है, वो रेड कलर है, छोटा सा रेड कलर का बर्ड है। सो ये एरिया है ओपन एम्फी थिएटर, जहाँ पे द बॉनफायर रखते हैं। अगर ज़्यादा लोग हैं तो वो लोग ऑर्गेनाइज करता है, और अगर आप लोग को स्पेशल सेपरेट प्राइवेट अपना बॉनफायर चाहिए तो उसके लिए वो चार्जेबल है। आज के लिए हम लोगों को प्लान था कि हम लोग आज एरिकल केव्स एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद इन एंड अराउंड प्लेसेस ऑफ वायनाड, इन एंड अराउंड प्लेसेस, नियर बाई प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन जब सुबह ब्रेकफास्ट के लिए आए, देन देखा बहुत सारा क्राउड जा रहा है ऊपर। तो सिंस आज सैटरडे है, इसी सैटरडे संडे वीकेंड ज़्यादा क्राउड रहता है, सो उस वक्त एक्चुअली सुबह सुबह जाना, अराउंड 8 o'clock ये खुलता है। सो 8 o'clock आप ऊपर पहुँच करके रुकिए, काउंटर खुलेगा, टिकट लीजिए, अंदर जाइए, आराम से पीसफुली देखिए। सो इसलिए हम लोग आज का प्लान पुश करके नेक्स्ट डे संडे को रखे हैं। सराउंडिंग्स में इतना सारा पेड़ है कि पूरा सनलाइट ब्लॉक हो चुका है। अभी सनसेट हुआ नहीं है, लेकिन पूरा अंधेरा लग रहा है। और ये क्रिकेट का आवाज़, एडिकल केव इधर है, और पीछे जो आप देख रहे हैं वो 12D रियलिटी शो है। समथिंग यहाँ पे अंदर जाने के बाद लोग बहुत स्क्रीन करते हैं, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, नहीं तो कल आप लोगों को जब जाऊँगी उस वक्त दिखा सकती थी, बट अनफॉर्चुनेटली कैमरा लेके नहीं जा सकते। ये एक एडवांटेज एडिकल केव्स के पास रहने का, एडिकल हर्मिटेज में, कि आप इंस्टॉलमेंट में एडिकल केव्स एक्सप्लोर कर सकते हैं।
एक्चुअली इधर का टाइमिंग 8 o'clock टू 4 o'clock की है, सो 4 o'clock के बाद इसके अंदर कोई नहीं आएगा, बट थोड़ा प्रिविलेज हम लोग को मिलेगा क्योंकि हम लोग इसके अंदर ही रह रहे हैं। अभी कोई नहीं है, अकेले वॉक नहीं करना चाहिए। तो वो बोला कल लेपर्ड आया था, करेक्ट? कल परसों, कल कल परसों। तो ये एरिया में लेपर्ड है, एक लेपर्ड काफी है। तो वायनाड में एक और इंटरेस्टिंग जगह है, कुरवा द्वीप आइलैंड। बट अनफॉर्चुनेटली अभी हम लोग मानसून सीजन में आए हैं, सितंबर है, राइट? सो सितंबर मंथ में वो क्लोज रहता है। वो आइलैंड सिर्फ अक्टूबर टू मई तक ही ओपन रहता है, इसलिए दिस टाइम वी डोंट हैव एनी लक। नेक्स्ट टाइम जब वायनाड आ रहे हैं तो वो जरूर एक्सप्लोर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। एक्चुअली कबनी रिजर्व फॉरेस्ट रेंज का पास है एक्चुअली ये स्टे एंड ये रिजर्व फॉरेस्ट रीजन, इसलिए मुझे लग रहा है कबनी से आया रहेगा वो लेपर्ड। कोई तो अभी बहुत गुस्से में है। इशू के बारे में बताता हूँ आप लोगों को। एक्चुअली हम लोग इधर एक रिसोर्ट बुकिंग करने के टाइम इंक्लूसिव ऑफ इट्स लाइक ब्रेकफास्ट एंड लंच और डिनर ऑर्डर किया था, बट ये इन्फॉर्मेशन रिसोर्ट तक पहुँचा नहीं है। हम लोग इसलिए जो वेंडर से बुक किया था वो गोए भी बोला, सो इन्फॉर्मेशन पहुँचा नहीं है। एंड ऑल ऑफ अ सडन हमें सुनने के लिए आ रहा है कि वो एक्स्ट्रा लाइक मेन्यू में लाइक एक्स्ट्रा लंच और डिनर हम लोग जो लिया उसमें पे करना पड़ेगा करके। पे करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट वो क्लैरिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं था एंड ऑल ऑफ अ सडन ये सब आ रहा है, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था। So, इसलिए मुझे गोएबीबो कॉल करना पड़ा। They told me they'll give a call back. We'll see. So, almost अभी 9 PM हो गया है। So, भूख लग रहा था and it's dinner time now. क्या क्या ऑर्डर किया पा? मैंने तो पायसम ऑर्डर किया था। सुबह से कोई बोल रहा है पायसम के लिए, फाइनली नाइट को मिल गया। यहाँ हेडकल के जाने के रास्ते पे एक बैम्बू राइस पायसम मिलेगा, वो मुझे ट्राई कर रहा था, बट बैम्बू राइस तो नहीं, लेकिन एक्चुअली राइस पायसम मिला मुझे आज। और क्या क्या लिया पा? मेन्यू पे बहुत सारा दिख रहा है। और हाँ, केला आइए रखते हैं यहाँ पे, राइस जरूर, स्पाइसी जरूर खाना। ओह, ये चिकन 65 है, ये चिकन करी एंड ये चिकन फ्राइड राइस है, ये भी चिकन फ्राइड राइस है एंड ये क्या है? ओह, ये केरला परोटा है। कोई तो चिकन करी लिया, चिकन करी एंड सलाद है, सलाद अच्छे से पैक करके लिया, अच्छे से पैक करके लिया। इधर एक्चुअली रेस्टोरेंट जाके खाने के लिए भी ऑप्शन है, बट जाने के रास्ता थोड़ा जंगल के अंदर से जाना है, इसलिए हम लोग एक्चुअली मोस्ट ऑफ द डे प्रेफर किया, नहीं कल भी और आज भी प्रेफर किया इन रूम डाइनिंग। इन रूम पे हम लोग बेडरूम डाइनिंग कर रहे हैं, बेड में बैठ के कर रहे हैं। एक्चुअली सब वाइट वाइट है, थोड़ा क्लीन रखना है, इसलिए टॉवल बिछा करके उसके ऊपर रख के खा रहे हैं। आज के लिए बस सब डिनर खाएंगे और सो जाएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। कल एक अनदर एक्साइटिंग डे होने वाला है आवर डेली डायरीज में, सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इतना तक देखा तो इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब बटन क्लिक करने के लिए भी भूलो मत। सो स्टे ट्यून्ड, बाय 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 बाय। एडिट करके डालते रहते हैं वीडियोस। बाय बाय। Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay.